पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से गिरा बड़ा पत्थर करीब 40 फीट ऊपर से गिरा है। ये पत्थर का वजन करीब 20 किलोग्राम है। पहले मंदिर के ऊपर बाज पक्षियों के झुंड का उड़ना, फिर मंदिर के अंदर प्रभु के सिंहासन के निकट पत्थर का गिरना, अब मंदिर के ऊपर से ये बड़ा पत्थर का गिरना एक अति महत्वपूर्ण संकेत है आने वाले समय का, क्योंकि इसका वर्णन 600 सालों पुराने भविष्य मालिका में मिलता है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 के दिन अध्याय 535 में हमने इसी पर चर्चा किया था। 23 अक्टूबर 2022 रविवार को ठीक दीपावली के एक दिन पूर्व ही मंदिर के ऊपर से 20 किलोग्राम का पत्थर गिर गया। ये चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि जहां भारत के अन्य राज्यों में नए नए ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, वहीं इस कलयुग का धाम जगन्नाथ धाम के अस्तित्व पर बड़ा संकट आ चुका है। दूसरी तरफ ये सब अनहोनी मानव समाज को आने वाली संकटों का संकेत दे रही है, क्योंकि 600 सालों पुराने भविष्य मालिका में इन सभी के बारे में वर्णित है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मुक्ति मंडप के निकट भेरण द्वार के बाहरी स्थान पर 40 फीट ऊपर से गिरा है ये 20 केजी का पत्थर, और सौभाग्य से किसी भक्त या सेवक पर नहीं गिरा है। पत्थर गिरने का घटना कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से लगातार ऐसे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, पर गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जब तुम देखोगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत अब आ चुका है। सबसे दुख की बात यह है कि लगभग सभी मीडिया वाले इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसी पर कोई संकट आता है तब भागे भागे उसी जगन्नाथ जी के निकट जाते हैं, परंतु जब उसी जगन्नाथ जी के मंदिर पर संकट आया है तब सब मौन है। आप केदारनाथ को देखिए, सोमनाथ को देखिए, तिरुपति बालाजी को देखिए, कितने भव्य एवं सुंदर तरीके से मंदिर का परिचालन किया जा रहा है, पर कलयुग का धाम जगन्नाथ धाम का परिचालन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, उड़ीसा के राज्य सरकार जगन्नाथ मंदिर से करोड़ों रुपए कमाती है, पर उस पैसों का कोई हिसाब नहीं मिलता। केवल इतना ही नहीं, मंदिर के कई सारे मूल्यवान वस्तु चोरी भी हो चुके हैं, जिसका आज तक कोई पता भी नहीं मिल पाया है। इस घोर अपराध का दंड किसको मिलेगा, सरकार को या उस सरकार को वोट देने वाली प्रजा को? जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।